जब हम किसी शहर की बात करते हैं तो उसकी रूह उसके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में बसी होती है। हमने उसी प्रकार गुड़गांव में 540 गज में एक विला डिज़ाइन किया है जिसके अंदर बहुत ही लार्ज स्पेसेस प्लान किए हैं, ग्रैंड स्टेयरकेस विद डबल हाइट एरिया प्लान किया है, आउटडोर सीटिंग्स प्लान किया है, गार्डन प्लान किया है, एलिवेशन में डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए हैं, लग्जरी टॉयलेट्स बनाए हैं, बहुत ही बड़ा स्काईलाइट बनाया है और न जाने बहुत कुछ। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोर प्लान से। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में अगर मैं जोनिंग की बात करूं तो यहां से ये पूरी मेरी एंट्री है। सो इस साइड हमारा रोड है, ये एंट्री है और ये कार पार्किंग है। उसके बाद पार्किंग के जस्ट साइड में पूरा ये गार्डन है, 34 फीट बाय 19 फीट पूरा ये गार्डन है। सो दिस इज गार्डन। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है दो स्टेप ऊपर करके, एंड फिर हम डबल डोर से फोयर में एंटर करते हैं। और जैसे ही फोयर में एंटर करते हो आप थोड़ा सा आगे निकल के आपको ये पूरा पूरा ओपन एरिया दिखाई देता है जिसके अंदर हमारा सीटिंग एरिया है, पूल टेबल का स्पेस है, डबल हाइट स्टेयरकेस है और पूरा ओपन एरिया आ जाता है। इसी के साइड में यहाँ पे हमारा पाउडर टॉयलेट आ जाता है। और जैसे ही आप इस तरफ आते हो यहाँ पे फॉर्मल ड्राइंग रूम है जो कि आपके गेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये तो था, ये हमारा इनफॉर्मल सीटिंग था जो कि करीबन 17 फुट 6 इंच बाय 28 फुट था। और यहाँ पे एक फॉर्मल सीटिंग है 17 फुट बाय 17 फुट की। तो इस फॉर्मल सीटिंग में बड़ी सी विंडो है जो कि पूरे गार्डन की तरफ व्यू करती है, तो जो भी आपका गेस्ट आया हुआ है उसको पूरा गार्डन का व्यू आता है, राइट। इसी के जस्ट साइड में मास्टर बेडरूम है। ये है मास्टर बेडरूम, 14.5 फुट बाय 26.5 फुट, बहुत ही बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे इसका बेड लगा हुआ है और इस तरफ पूरा सीटिंग एरिया है, एंड सीटिंग एरिया की तरफ भी यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है जो कि गार्डन की तरफ व्यू करती है। तो आप देखें जो भी घर के मेन स्पेस है, लिविंग एरिया हो गया और मास्टर बेडरूम हो गया, उसको पूरा गार्डन का व्यू आता है। मास्टर बेडरूम के साथ जस्ट अटैच्ड एक ड्रेसर है जो कि 6 फुट बाय 13 फुट का है, एंड दोनों साइड में एल शेप्ड पूरी वार्डरोब आ जाती है। एंड ड्रेसर से आप टॉयलेट में जाते हो, 8 फुट बाय 13 फुट का टॉयलेट है जो कि बहुत ही बड़ा टॉयलेट है जिसमें डबल सिंक लगा रखे है और यहाँ पे शावर क्यूबिकल है और इस तरफ WC है। इसका वेंटिलेशन जो है पीछे एक शाफ्ट है उससे इसका वेंटिलेशन हो जाता है। अब जो लिविंग एरिया था जो कि इनफॉर्मल सीटिंग थी एंड पूल टेबल था, उसी से कनेक्टेड यहाँ पे भी कोई डोर नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल। इसके साथ ही डाइनिंग एरिया आ जाता है और इनका एक छोटा सा किचन आ जाता है, राइट। इसी के अंदर डाइनिंग एरिया है इनका, ये मेन किचन नहीं है, मेन किचन इनका फर्स्ट फ्लोर पे है, बट ये एक्स्ट्रा किचन है, कभी अगर नीचे कोई गेस्ट आए यहीं पर कुछ कुकिंग करनी है, चाय वाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, दैट कैन बी डन। इसके साथ में एक गेस्ट बेडरूम है 13 फुट बाय 13 फुट और उसके साथ अटैच ड्रेसर है 8.5 बाय 7 फुट का और एक बड़ा सा टॉयलेट है 13 फुट बाय 6.5 फुट। तो आप देखेंगे करीबन 540 गज का ये प्रोजेक्ट है और ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 2 बेडरूम हैं, एक मेन बेडरूम, मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट बेडरूम। टॉयलेट्स भी अपने आप में बहुत बड़े साइज़ के हमने प्लान किए थे। और सेंटर में सबसे एस्थेटिकली जो इसका एलिमेंट है वो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ये डबल हाइट स्पेस है पूरा, और इसके ऊपर एक पूरा स्काईलाइट है जो भी जो कि करीबन करीबन 12 फुट बाय 25 फुट का स्काईलाइट, ये 25 फुट है और ये 12 फुट है। तो इसके सेंटर स्पेस में भी ना पूरा लाइट आ जाता है, ये पूरा लाइट आ जाता है इसके अंदर। तो किसी भी स्पेस में, किसी भी कोने में इस घर में अंधेरा कहीं नहीं। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो जैसे डाइनिंग एरिया से एक स्लाइडर आ जाता है, पीछे आप जा सकते हो, इसी प्रकार गेस्ट बेडरूम में भी एक स्लाइडर है और पीछे भी पूरा गार्डन है, ये भी पूरा आपका ग्रीन स्पेस है। तो यहाँ पे पूरा घास है एंड प्लांट्स वगैरह लगा। पीछे एक स्पायरल स्टेयरकेस है जो कि पीछे सर्वेंट रूम्स हमने टेरेस पे प्लान करे हुए, उसको एक्सेस करने के लिए एक अलग से स्पायरल स्टेयरकेस बना रहे हैं। तो ये था ग्राउंड फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बात करो तो जैसे ही आप यहाँ से ऊपर चढ़े, ये स्टेयरकेस आप ऊपर आते हो, सामने आपका एक और लाउंज आ जाता है एंड इसके साथ ही डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो लिविंग डाइनिंग एक ऊपर है एक नीचे है, ये भी करीबन करीबन अगर मैं बात करूँ 17.5 फुट बाय 17 फुट का तो है लिविंग रूम और 17.5 बाय 13 फुट का है डाइनिंग एरिया। इसी के साथ अटैच्ड है एक बड़ी सी किचन 17.5 बाय 14 फुट की, पूरा यहाँ पे यू शेप्ड काउंटर है, बीच में एक आइलैंड है और इसके साथ एक यूटिलिटी स्टोर अटैच्ड है। पीछे की तरफ एक पूरी बैल्कनी है जो कि
किचन से भी एक्सेस हो सकती है एंड जो दूसरा बेडरूम है उससे भी एक्सेस हो सकती है। इस बेडरूम के साथ एक ड्रेसर है और एक टॉयलेट है एंड शाफ्ट से वेंटिलेशन हो जाता है। लिविंग डाइनिंग के लिए जो पाउडर टॉयलेट है वो यहाँ प्लान्ड है एंड इसका मैकेनिकली इसको वेंटिलेट करा गया है। इसके थ्रू एक पाइप जाती है और शाफ्ट के अंदर चली जाती है। एक बेडरूम बीच में है करीबन 14.5x17 फुट का। इसके अंदर भी हमने एक स्काईलाइट बनाया था बिकॉज इसमें डायरेक्ट कोई विंडो मिलती नहीं थी, लेकिन हमने इसके ऊपर एक स्काईलाइट बनाया, इससे थोड़ा लाइट वगैरह इसमें पूरा लाइट आ जाता है। इसके साथ अटैच टॉयलेट है 8x8 फुट का एंड इसका वेंटिलेशन भी शाफ्ट के थ्रू हो जाता है। फ्रंट में इनका पेरेंट्स रूम था जो कि करीबन 17x14.4 इंच है। इसके साथ अटैच ड्रेसर है जो कि बहुत बड़ा है, 6x14 फुट। अगेन इसका टॉयलेट भी 8x14 फुट, बहुत ही ग्रैंड टॉयलेट। मास्टर बेडरूम को भी यहाँ पे एक स्लाइडर मिल जाता है और फ्रंट में एक पूरा स्लाइडर मिल जाता है, तो यहाँ से आप वो गार्डन का व्यू ले सकते हो। इस तरफ पूरा एक सिट आउट है, तो दिस इज सिट आउट जो कि आप लिविंग से भी एक्सेस कर सकते हो और मास्टर बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हो। तो टोटल जो बेडरूम थे इस घर में वो थे 5 बेडरूम, जिसमें से 2 मास्टर बेडरूम थे, 1 सिस्टर बेडरूम था और 2 गेस्ट रूम थे। टेरेस पे जाने के लिए मेन स्टेयरकेस का यूज़ नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्लाइंट को नहीं चाहिए था वो स्टेयरकेस, इसीलिए सामने भी एक स्टेयरकेस स्पाइरल स्टेयरकेस यूज़ किया था जो सीधा टेरेस तक जाती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है एंड टेरेस आप एक्सेस कर सकते हो और पीछे वाली स्टेयरकेस भी टेरेस तक जाती है। अब मैं आपको टेरेस प्लान दिखाता हूँ। तो टेरेस प्लान में क्या था कि ये वाला एक स्टेयरकेस जो उसकी मैं बात कर रहा था यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और दूसरा स्टेयरकेस पीछे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। पीछे की तरफ पूरा ये सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। हाँ, लिफ्ट भी टेरेस तक जाती है, राइट। तो जो ये वाला लिफ्ट था, यहाँ पे एक लिफ्ट प्लान हमने किया था, वो आपका हर फ्लोर पे जाती है और टेरेस पे जाती है। तो अगर क्लाइंट को टेरेस पे जाना था तो लिफ्ट यूज़ होती थी, अगर सर्वेंट्स को जाना तो स्पाइरल स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में ये पूरा एक स्काईलाइट है जो जिसकी मैं बात करता स्टेयरकेस के ऊपर, ये एक स्काईलाइट है और एक छोटा स्काईलाइट यहाँ पे है जो कि जो बेडरूम के अंदर हमने बनाया था, राइट। बाकी फिर ये पूरा टेरेस है। टेरेस नॉर्मल पर्पज से यूज़ नहीं होता बिकॉज इनके पास बहुत आगे गार्डन है, सीटिंग एरिया भी है, तो टेरेस बहुत कम एक्सेस होता है, इसलिए टेरेस पे ऐसी बहुत बढ़िया एंट्री नहीं बनाई थी, लेकिन पर्पज जो था वो पूरा फुलफिल हो जाता है। ये इसका 3D था और ये इसका एक्चुअल पिक्चर है। तो आप देखेंगे 3D और एक्चुअल काफ़ी हद तक सेम बना है, लेकिन 3D में वो क्वालिटी नहीं निकल के आती है, राइट। 3D में पता नहीं चलता कि इतना बढ़िया निकल के आएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये घर निकल के आया था। मैं इसमें आपको थोड़ा मटेरियल्स बता देता हूँ क्या क्या हमने यूज़ किया था, क्योंकि ये क्लासिकल स्टाइल यूज़ किया था तो बहुत ज़्यादा कॉर्निसेस यूज़ किए थे। दीज आर सीमेंट कॉर्निसेस, सीमेंट कॉर्निस यहाँ पे किया है, इस लेवल पे किया है, बालकनी के नीचे किया है, राइट। विंडोज़ के अराउंड हमने किया है। रेलिंग्स भी अगर आप देखो, रेलिंग्स भी थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल की तरफ है, ये कास्ट आयरन के अंदर हमने बनाई थी। ये इनका एंट्री है, ये उनका फॉर्मल लिविंग रूम का विंडो है और ये इनके मास्टर बेडरूम का विंडो है। तो यहाँ से तीनों से आप ये वाला गार्डन पूरा देख सकते हो। ऐसे ही ये इनका ऊपर वाला मास्टर बेडरूम है और यहाँ पे ये टेरेस है। उसके बाद हमने क्या किया, एलिवेशन के अंदर 2 बड़े से हमने कॉलम बनाए, राइट, जो इसको पूरा एक इंग्लिश स्टाइल का एलिवेशन बनाता है। इसके अंदर हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन लुक देने के लिए हमने स्टैक्ड स्टोन यूज किया था फ्लैग स्टोन से, और एंट्री पे हमने यहाँ पे मार्बल, पूरा इटालियन मार्बल, ग्रे सॉरी ब्राउन एम्प्लोडोर हमने यूज़ किया था, राइट। जितनी भी बाउंड्री वॉल वहाँ पे सॉलिड ना करके हमने पूरा MS का ही रेलिंग किया है एंड ये गेट है जहाँ से इसको एंटर मिलती है। तो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट एलिवेशन था, सिंपल वाइट एंड ग्रेइश ब्राउन पत्थर हमने यूज़ किया था एंड पूरा एलिवेशन इसके हिसाब से डिज़ाइन किया। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टेयरकेस की, जिसकी हमने काफ़ी बात की है, तो वो ये स्टेयरकेस है जो कि काफ़ी ग्रैंड था। यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से आप स्टेयर्स ऊपर ले लेते हो तो ये पूरे स्टेप आते हैं एंड यहाँ से ऊपर जा सकते हो। ये इसका साइड लुक है, पूरा हमने वीनियर पैनलिंग किया था इसमें एंड ये जो आप देख रहे हो शैंडलियर, ये वाला, ये स्काईलाइट पे अटैच्ड है। आप यहाँ से देख पाओगे थोड़ा सा स्काईलाइट विजिबल है इस पूरे कटआउट के ऊपर, जो आप देख रहे हो इसके ऊपर, जस्ट ऊपर एक स्काईलाइट है जिसका फोटो ये है, राइट। ये शैंडलियर है इससे कनेक्टेड और स्काईलाइट से बहुत ही ज़बरदस्त लाइट आती है और जब बारिश होती है
तो बहुत अच्छा लुक आता। आप नीचे बैठे हो या नीचे देख रहे हो तो बहुत अच्छा लुक आता है, राइट। तो ये था एक 540 गज का प्रोजेक्ट जो कि गुड़गांव में डीएलएफ अल्मेडा में हमने डिज़ाइन किया था एंड काफ़ी अच्छा निकल गया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे।